महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। स्मृति मंधाना ने किया कमाल, बांग्लादेश की हार। टीम इंडिया ने महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। अब 27 जुलाई को होने वाले खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका पाकिस्तान मैच के विजेता से होगी। महिला एशिया कप में टीम इंडिया का विजय अभियान जारी है। लीग राउंड में तूफानी खेल दिखाने के बाद अब टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में भी एकतरफा जीत दर्ज की। दांबला में खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 80 रन बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करने में टीम इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हुई। ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लक्ष्य बड़ी आसानी से चेज कर लिया। स्मृति मंधाना ने सेमीफाइनल में सिर्फ 38 गेंदों में अर्धशतक जमाया। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत की स्क्रिप्ट गेंदबाजों ने लिखी। रेणुका ठाकुर ने 4 ओवर में महज 10 रन देकर 3 विकेट झटके। राधा यादव ने भी 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस दमदार गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश की टीम 20 ओवर खेलने के बावजूद भी 80 ही रन बना सकी। इसके बाद शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। दोनों ने संभल कर खेलते हुए 43 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी की और 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 70 रनों तक पहुंचाया। इस तरह टीम इंडिया को जीत हासिल करने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। एशिया कप में टीम इंडिया का हमेशा से दबदबा रहा है। 2004 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने हर बार फाइनल में जगह बनाई है। 7 बार टीम इंडिया ने एशिया कप जीता है और एक बार उसे बांग्लादेश से ही हार मिली थी। अब टीम इंडिया ने 9वीं बार फाइनल में जगह बना ली है और उसके 8वीं बार एशियन चैंपियन बनने का रास्ता साफ ही नजर